टेक्निकल रघु चैनल में सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल में फिर से आज सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों को BPCL के एक नया पंप जो कि आप देख रहे हैं बन रहा है, काम चल रहा है, आपको पूरा पंप मैं दिखाऊंगा। क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, ये देखिए, ये एक चार नोजल की मशीन यहाँ लगी हुई है, एक चार नोजल की मशीन वहाँ लगी हुई है, और इस पे अभी कैनोपी नहीं है, डीलर ने जो है टेम्प्रेरी कैनोपी बनाई हुई है। तो ये देखिए, ये जो प्लॉट है ये 45x45 मीटर का प्लॉट है, जिसमें BPCL कंपनी के द्वारा एक पंप बनाया गया है। तो आप जैसा देख रहे हैं, ये बाउंड्री बनी हुई है, सारी बाउंड्री के 1.2 मीटर छोड़कर कर्व स्टोन लगाए गए हैं। ये कर्व स्टोन जब पंप बन जाता है तब ग्रीनरी करने के लिए और पोल लगाने के लिए इन कर्व स्टोनों का इस्तेमाल होता है। उसी के अंदर से पोल लगते हैं और उसी के अंदर ग्रीनरी की जाती है। ये देखिए, बाहर की साइड में एक साइनेज बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो साइनेज बोर्ड है। ये दर्शाता है ये किस कंपनी का साइनेज बोर्ड है। इस पर देखिए भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है, ये BPCL का प्योर ऑफ श्योर का बोर्ड है। साथ में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ लोहे के पाइप दिख रहे हैं आपको। इन लोहे के पाइपों पर अभी बाद में झंडे लगाए जाएंगे, फ्लैग लगे जाएंगे, जो उस कंपनी को प्रदर्शित करते हैं। आइए पीछे की साइड में चलते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ये बाल्टी लगी हुई हैं। ये बाल्टियाँ फायर की हैं, जो मैनेट्री हैं, इन बाल्टियों को पेट्रोल पंप मालकों को रखना अति आवश्यक है। ये देख रहे हैं ये एयर बैंड दिए गए हैं। यहाँ पर जो टैंक ज़मीन में लगे हुए हैं, उस टैंक से जो एयर होगी उसमें एक पेट्रोल है और एक डीजल है, जो कि आप देख रहे हैं। इस साइड में देखिए सेल्स रूम बिल्डिंग का काम चल रहा है, और सेल्स रूम बिल्डिंग के ऊपर ही डीलर के द्वारा 10 KVA का, 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाया गया है। अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, और इसी सोलर सिस्टम के द्वारा यहाँ पर पंप रन होगा। साथ में 15 KVA का साइलेंट प्रूफ जनरेटर भी रखा जाएगा, जो इस पंप को चलाएगा। बाकी ये पीछे देख रहे हैं, अभी पोल आपको दिख रहे हैं। BPCL के कोई भी पोल होते हैं वो 9 मीटर के होते हैं, और इन पर जिस तरह से आप देख रहे हैं वाइट और येलो कलर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है इसके सिग्नल पोल के जो जिस पर लाइट लगती है वो रखे हुए हैं। इसी प्रकार से फायर सिलेंडर और बहुत सारी चीज़ें पंपों पर जो है जो डी टू डे की होती हैं वो यूज़ होती हैं। धीरे धीरे जब ये पंप बन जाएगा तो आप देखेंगे कि इनमें सारी चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा। आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पंपों को लगाने के लिए कम से कम कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम किसी भी पंप को सिटी में लगाते हैं तो मिनिमम हमको 20x20 मीटर की जगह चाहिए। यदि हम लोग SH पे लगाते हैं, स्टेट हाईवे पे लगाते हैं, तो 30x30, और यदि हम किसी NH पे लगाते हैं तो कम से कम जगह की रिक्वायरमेंट 50x50 मीटर की होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।